अपने रिश्तेदार या किसी को स्टेशन छोड़ते समय अक्सर आपने गौर किया होगा कि ट्रेन के आखिरी कोच में ये दिखाई दिया हो। पहले के ट्रेन में ये कोच नहीं रहती थी बल्कि सिर्फ लगेज या ब्रेक वाली कोच रहती थी, लेकिन अभी के लगभग सारे एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेन में ये कोच दिखाई देती है। ये एक जनरेटर कोच है। इस कोच से ट्रेन के बाकी के कोच में बिजली दी जाती है। 99% लोगों का ऐसा मानना था कि कोच में बिजली इंजन से आती है, जैसे बाइक जब चलती है तो बैटरी चार्ज होता है, तो यह गलत है क्योंकि बिजली सिर्फ डायनामो या जनरेटर से बनाया जाता है। बाइक में भी बिजली उसके इंजन के सामने लगी सेल्फ स्टार्ट वाले मोटर से बनती है, और एक मोटर को अगर आप खुद से घुमाएं तो वो डायनामो का काम करने लगेगा। ट्रेन के इंजन में डायनामो या जनरेटर फिट नहीं होती। पहले के ट्रेन में ICF कोच यूज की जाती थी। ICF कोच वो कोच है जिसे इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाती थी। हर एक कोच में एक डायनामो होता था जो पूरे कोच को बिजली देती थी, लेकिन डायनामो होने से इन कोचों को 120 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड पे नहीं चलाया जा सकता था। बढ़ती आबादी और ट्रेन की मांग के लिए टोटल टाइम ऑफ जर्नी का महत्व बढ़ गया, जिसमें टाइम ऑफ जर्नी को घटाने से हर एक कोच में अलग से बिजली देने का खर्च से भी कई ज्यादा फायदा होने लगता। ICF कोच के और भी कई खामियों के लिए रेल मंत्री ने LHB कोच को इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। LHB या लिंक हॉफमैन बुश कोच को जर्मनी में डिजाइन किया गया था। इन कोचों में डायनामो नहीं होती है, जिसके कारण इन्हें 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ले जाया जा सकता है, जो टाइम ऑफ जर्नी को ICF के मुकाबले एक तिहाई कम कर देती है। कोच में डायनामो न होने के कारण ट्रेन के सारे कोचेस को बिजली सबसे पिछले वाली LHB कोच में लगी जनरेटर से दिया जाता है। इस कोच में टू वे सस्पेंशन का यूज किया जाता है, जिससे यात्रियों को ज्यादा झटके नहीं लगती, और इसमें डिस्क ब्रेक है जिससे ICF के मुकाबले जल्दी ब्रेक लगती है। लेकिन भारत में जब सरकार ने ग्राहक प्रतिक्रिया देखा तो वे खुश नहीं थे, तो इसलिए LHB कोच को रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला में है उसमें रीडिजाइन किया गया और ये एक मेक इन इंडिया कोच हो गया। तो जब भी आप ट्रेन के पीछे जनरेटर कार को देख तो समझ जाइएगा कि आप LHB कोच में है और आपका यात्री आरामदायक और सेफ होने वाला है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में।